बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान कई बड़े संदेश देता दिखा। पटना से दिल्ली पर नजर गड़ाई गई, लेकिन जिस लखनऊ जंक्शन के जरिए दिल्ली तक का सफर तय किया जाता है, उससे पहले कई हॉल्ट आते दिख रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कब्जे की कोशिशों को कई अवरोधों का सामना करना पड़ा है। एक तरफ पटना के विपक्षी एकता वाले मंच से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पटना का संदेश देते दिखे। उन्होंने कहा कि पटना का यही संदेश है कि हम सब मिलकर काम करेंगे, हम सब मिलकर देश को बचाने का कार्य करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव जिस समय यह दावा कर रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता का मसला हल होता नहीं दिख रहा है। विपक्ष कई दलों में बटा दिखता है। अखिलेश के साथ यूपी चुनाव 2022 के समय से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे जयंत चौधरी भी अलग राजनीतिक गोटी चलते दिख रहे हैं। विपक्षी दलों की एकता वाली बैठक में जयंत चौधरी के पत्र वाली राजनीति को लेकर यही कहा जा रहा है कि विपक्ष की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जयंत चौधरी ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होने की बात कही। चिट्ठी में उन्होंने पूर्व निर्धारित पारिवारिक कारणों से बैठक में शामिल न होने की बात दोहराई। पत्र में उन्होंने देश में चल रही भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने अपने पत्र में लिखा कि देश में आज के समय में अधिनायकवादी और सांप्रदायिक शक्ति जिस तरह से लोकतंत्र और सामाजिक समरसता के लिए खतरा पैदा कर रही है, उसे देखते हुए विपक्षी दलों का एकजुट होना समय की मांग है। जयंत चौधरी ने लिखा कि देश की अहम समस्याओं और चुनौतियों पर संवाद कर समूचा विपक्ष जनता के सामने एक दूरगामी व्यावहारिक योजना प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे हम मिलकर युवा, महिलाएं, किसान और वंचित समाज की आकांक्षाओं और विश्वास के साथ देश में सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। जयंत ने पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास है यह बैठक विपक्षी एकता की राह में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। गौरतलब है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को सपा ने समर्थन देकर राज्यसभा तक पहुंचाया, लेकिन यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 के बाद से दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चा है। चर्चा यह भी है कि पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी के साथ चलने में जयंत चौधरी निकाय चुनाव के बाद से ही सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके प्रत्याशियों के आगे सपा के प्रत्याशी आने के बाद से दोनों के बीच रिश्तों की खटास विपक्षी एकता गठबंधन तक नजर आ रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत ने अब तक भले ही अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी का प्रदेश नेतृत्व लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। रालोद मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। जाटलैंड की सभी सीटों पर पार्टी लगातार अपने अभियान चला रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही पटना में विपक्षी एकता के मंच पर नजर आए, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस को दिल बड़ा करने की सलाह वे लगातार देते रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति ने अलग माहौल बनाया है। कांग्रेस ने यूपी में पूरी ताकत झोंकने का फैसला लिया तो अखिलेश यादव उससे अलग राह ले सकते हैं। मायावती पहले ही अपनी राह अलग करती दिख रही हैं। ऐसे में विपक्ष कई दलों में बंटकर यूपी के चुनावी मैदान में जो राजमाइश करता दिखेगा, जयंत की राजनीतिक धार इसी का संदेश देती दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।